Hello and welcome to Krishna classes. This is part 2 of A Gift of Chappals. In the first part, we saw that there are three children in this story. Their names are Ravi, Mridu and Meena. Ravi and Meena found a kitten outside their house. They brought him inside the house. और फिर उसके बाद रवि ने उस बिल्ली के बारे में कहानी बनाना शुरू किया। फिर कुछ देर बाद एक बेगर उनके घर पर आया। आगे कहानी में क्या होता है ये जानने के लिए देखते हैं पार्ट टू ऑफ अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। रवि, टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन, कॉल्ड रुकुमनी। रुकुमनी ने पुकारते हुए कहा, रवि टेल हिम, उसे बता दो, देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन, किचन में कुछ भी अब है नहीं, कुछ भी बचा हुआ नहीं है। एंड ही इज नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट। और उसे ये भी कह दो, ही इज नॉट टू कम अगेन, उसे अब दोबारा नहीं आना है। She sounded fed up. वो उबी हुई दिखाई पड़ रही थी। She sounded fed up. उनकी आवाज से ये लग रहा था कि वो बेगर के बार बार आने से फेड अप हो गई हैं। रवि didn't have to repeat it all to the beggar. रवि को दोबारा उसको रिपीट करके बेगर को बताने की जरूरत नहीं पड़ी। What his mother said had been easy for them all to hear there under the neem tree. What his mother said, जो उसकी माँ ने कहा था, had been easy, वो आसान था, for them all, उन सब के लिए, to hear, सुनना, there under the neem tree, वो लोग जो भी neem tree के नीचे थे, उन सब के लिए, जो भी उसकी माँ ने कहा था, वो सुनना आसान रहा था, यानी सब ने आसानी से सुन लिया था। The beggar sat up and sighed, भिखारी बैठा and sighed और उसने एक आह भरी। I'll go, he said wearily. उसने थके हुए स्वर में कहा, I'll go, मैं जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। Only, let me have a rest here under this tree. सिर्फ यही है कि let me have a rest here, मुझे आराम करने दो, under this tree, इस पेड़ के नीचे। The sun is so hot, सूरज इतनी तेजी से चमक रहा है, इतना गर्म है। The tar has melted on the road. रोड पर tar यानी तारकोल या डामर has melted, पिघल गया है। सड़क इससे बनती है, काले काले रंग का वो डामर होता है। और भिखारी का कहना था, ड्यू टू द हीट द टार हैज मेल्टेड, गर्मी की वजह से डामर या टार पिघल गया है। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, मेरे फीट तो पहले से ही ब्लिस्टर्ड हैं, मेरे पैरों में तो पहले से ही छाले पड़े हुए हैं। ब्लिस्टर्ड मीन्स बॉयल्स और बबल्स ऑन द स्किन। ब्लिस्टर्ड उन बॉयल्स या बबल्स को कहते हैं, ब्लिस्टर्स, जो जलने की वजह से या बार बार घिसने की वजह से स्किन पर बन जाते हैं। He stretched out his feet to show large pink peeling blisters on the soles of his bare feet. He stretched out his feet. उसने अपने पैर फैलाए। To show, दिखाने के लिए, large pink peeling blisters. लार्ज यानी बड़े, पिंक गुलाबी कलर के पीलिंग ब्लिस्टर्स, ऐसे छाले जिन पर से स्किन उतर रही थी। ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फीट, उसके नंगे पैरों के तलुओं पर, यानी उसने अपने पैरों को फैलाया ताकि वो अपने पैरों के तलुओं पर पड़े हुए बड़े बड़े छालों को दिखा सके। आई सपोज ही डजंट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स, मृदु विस्पर्ड टू मीना रवि। मृदु ने विस्पर करते हुए, सॉफ्टली बोलते हुए मीना और रवि से कहा, आई सपोज ही डजंट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स, मुझे लगता है कि शायद उसके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, क्या तुम्हारे पास घर में ओल्ड पेयर यानी पुराना जोड़ा है चप्पलों का, समवेयर कहीं पर, क्या तुम्हारे पास घर में कहीं पर पुरानी चप्पलों का कोई जोड़ा है? I do not know, said Ravi. Ravi ने कहा, मुझे नहीं मालूम। Mine are too small to fit his feet, or I would have given them to him. मेरी तो इतनी छोटी हैं कि उसके फीट पर, उसके पैरों पे फिट नहीं हो सकती। और I would have given them to him, वरना मैं अपनी चप्पलें उसे दे देता। And his feet were larger than Mridu's and Meena's. और उसके पैर मृदु और मीना से बड़े थे। His feet were larger than Mridu's feet or Meena's feet. उसके पैर मृदु या मीना के पैरों की बजाय ज्यादा बड़े थे। The beggar was shaking out his upper cloth and tightening his dhoti. Beggar
was shaking out his upper cloth. Beggar अपने ऊपर के कपड़े को शेक कर रहा था, झाड़ रहा था, and he was tightening his धोती, और वो अपनी धोती को फिर से कसकर बांध रहा था. He raised his eyes, उसने अपनी आंखें ऊपर उठाई, and looked fearfully at the road, और डरते हुए उसने सड़क की तरफ देखा. वो डर रहा था कि बहुत गर्मी है और वो उस सड़क पर कैसे जाएगा. The road was gleaming in the afternoon heat. सड़क afternoon heat की वजह से gleam कर रही थी, चमक रही थी. सबसे ज्यादा गर्मी दोपहर के बाद होती है, 12, 1, 2, 3 बजे के समय बहुत गर्म होता है. And the road was gleaming, the damar, the tar had melted, जैसा कि उसने पहले ही हमें बताया, डामर पिघल चुका था और उसके पास चप्पलें नहीं थी, तो उसने डरते हुए सड़क को देखा. He needs something on his feet, Meena said. Meena ने कहा, उसे कुछ पैरों पर पहनने के लिए चाहिए. Her big eyes filling with tears. Her big eyes filling, इसका मतलब है कि उसकी आंखें भर आई थी और naturally उसकी आंखों में आंसू भर आए थे. It's not fair. ये अन्यायपूर्ण बात है, ये justified नहीं है, ये fair नहीं है कि ऐसी गर्मी में उसे चल करके जाना पड़े नंगे पैर. Said Ravi, I'm thinking about it. मैं इस बारे में सोच रहा हूँ. Blubbering, it's not fair is not going to help. Blubbering means crying. बार बार वही बात रिपीट करना, it's not fair is not going to help. इससे तो कोई मदद बेगर की होगी नहीं. In 2 minutes, he will be frying his feet on that road. 2 मिनट में उसके पैर उस सड़क पर जलने लगेंगे. Frying means burning. रवि का मतलब था कि इन 2 मिनट्स ही विल स्टार्ट वॉकिंग ऑन दैट रोड एंड देन हिज फीट विल स्टार्ट बर्निंग. 2 मिनट में वो उठ के चल देगा और तब उसके पैर उस सड़क पर फ्राई होने लगेंगे, जलने लगेंगे. व्हाट ही नीड्स इज अ पेयर ऑफ चप्पल्स. जिस चीज की उसे जरूरत है वो है एक जोड़ा चप्पलों की. सो वेयर डू वी गेट देम. तो वो हमें कहाँ से मिल सकती हैं. कम लेट्स सर्च द हाउस. आओ घर में ढूंढते हैं. He pushed Mrdu and Meena into the house. उसने मृदु और मीना को घर में धकेला. Just as she stepped into the veranda, जैसे ही उसने वरेंडा में स्टेप किया, जैसे ही उसने बरामदे में पैर रखा, मृदु's eyes fell on that odd-looking chappals. मृदु की आंखें पड़ी उस अजीब सी दिखने वाली, odd-looking means strange-looking chappals, उन अजीब सी दिखने वाली चप्पलों पर, which she had noticed when she arrived. जिनको उसने नोटिस किया था व्हेन शी अराइव्ड, जब वो आई थी मीना और रवि के घर पर. रवि, शी विस्पर्ड टू हिम. रवि, उसने फुसफुसाते हुए कहा, हुज आर दोस, वो चप्पलें किसकी हैं. रवि टर्न्ड एंड ग्लांस्ड एट द शैबी लुकिंग बट स्टर्डी ओल्ड स्लीपर्स. रवि टर्न्ड, रवि घूमा, एंड ही ग्लांस्ड, और उसने देखा, ही लुक्ड एट द शैबी लुकिंग, बड़ी भद्दी सी दिखने वाली, बड़ी टैटर्ड या अनटाइडी चप्पलों को, विच वर स्टर्डी ओल्ड स्लीपर्स, जो भले ही भद्दी दिखती थी, दो देवर शैबी लुकिंग, बट देवर स्टर्डी ओल्ड स्लीपर्स, लेकिन वो ड्यूरेबल, पुरानी मजबूत चप्पलें थी. स्टर्डी मीन्स ड्यूरेबल, या हम कह सकते हैं मजबूत. ही बीम्ड, वो मुस्कुराया, एंड नॉडेड, और उसने हामी में सिर हिलाया. नॉडेड मीन्स ही सेड यस दे विल डू. नॉडेड से मतलब है उसने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ भाई ये काम में आ जाएंगी. दीज आर जस्ट द राइट साइज, ही सेड पिकिंग देम अप. उसने उनको उठाते हुए कहा, दीज आर जस्ट द राइट साइज, ये बिल्कुल ठीक साइज की हैं, ये बेगर के लिए बिल्कुल सूटेबल हैं. मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इन टू द गार्डन. मृदु और मीना ने चिंता के भाव से या एंग्शियसली उसको फॉलो किया वापस गार्डन में. यानी तीनों बच्चे फिर से गार्डन में गए जहां पर वो बेगर था. हियर सेड रवि टू द बेगर. रवि ने बेगर से कहा, यहाँ ये रही. ड्रॉपिंग द स्लिपर्स इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन, चप्पलों को, स्लिपर्स को ओल्ड मैन के सामने गिराते हुए. जो बेगर था उसके सामने चप्पलें डालते हुए रवि ने कहा, यहाँ ये रही. वेयर दीज एंड डोंट कम बैक, इनको पहनो और अब वापस मत आना. द बेगर स्टेयर्ड एट द स्लीपर्स. भिखारी ने चप्पलों को देखा, हरीडली जल्दी से फ्लंग हिज टॉवल, फेंका अपना तौलिया, अपना टॉवल ओवर हिज शोल्डर, अपने कंधे के ऊपर. पुश्ड हिज फीट इनटू देम,
उसने अपने पैर चप्पलों के अंदर डाले. डैम हैज बीन यूज हियर फॉर द स्लीपर्स एंड लेफ्ट. और चला गया मटरिंग अ ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन. एक आशीर्वाद एक ब्लेसिंग बच्चों के लिए बड़बड़ाते हुए. बच्चों ने उसे चप्पल दी थी, उसे खुद पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसे ये चप्पल मिल रही है, तो वो एक आशीर्वाद बच्चों के लिए बड़बड़ाते हुए वहां से चला गया. इन अ मिनट ही हैड वैनिश्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट. एक ही मिनट में ही हैड वैनिश्ड ही हैड डिसअपीयर्ड. वो गायब हो गया था अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, सड़क के कोने पर. जहां पर सड़क मुड़ती थी वहां पर वो गायब हो गया, यानी दिखना बंद हो गया. द बेगर न्यू दैट दीज चिल्ड्रन हैड ब्रॉट द स्लीपर्स विदाउट आस्किंग द एल्डर्स ऑफ द फैमिली. भिखारी को मालूम था कि बगैर किसी से पूछे हुए बच्चे चप्पलें उठा लाए हैं, और अगर घर से कोई बड़ा निकल के आ गया तो वो चप्पलें मुझसे वापस मांग लेगा, इसलिए वो तेजी से वहां से गायब हो गया. द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस. संगीत शिक्षक घर के अंदर से बाहर आए. एंड ही टुक एन अनअप्रिशिएटिव लुक एट द थ्री ऑफ देम सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री. और उन्होंने अनअप्रिशिएटिव लुक यानी एक अप्रशंसात्मक दृष्टि से देखा एट द थ्री ऑफ देम, उन तीन बच्चों को ऊपर सिटिंग क्वाइटली, जो चुपचाप बैठे हुए थे अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे प्लेइंग मार्बल्स और कंचों से खेल रहे थे. म्यूजिक मास्टर ने अनअप्रिशिएटिवली माने प्रशंसा की दृष्टि से नहीं बल्कि अप्रशंसात्मक दृष्टि से उन तीनों बच्चों को देखा जो पेड़ के नीचे बैठ करके कंचे खेल रहे थे. उन्हें लगा होगा कि शायद बच्चे समय वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अनअप्रिशिएटिवली बच्चों को देखा. देन ही सर्च्ड फॉर हिज चप्पल्स इन द वेरेंडा. फिर उन्होंने बरामदे में अपनी चप्पल्स को सर्च किया, खोजा. वेयर ही हैड पुट देम, जहां उन्होंने अपनी चप्पलें रखी थी. लल्ली ही कॉल्ड आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स. कुछ क्षणों के बाद उन्होंने आवाज लगाई, लल्ली. लल्ली वो बच्ची थी जो उनसे म्यूजिक सीखती थी. शी हरीड अप टू हिम. वो उनके पास जल्दी से आई. हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर. क्या तुमने मेरी चप्पलें देखी हैं बेटा या प्यारी बच्ची. आई रिमेम्बर हैविंग केप्ट देम हियर. मुझे याद है मैंने उन्हें यहीं पर रखा था. रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लल्ली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वेरेंडा. रवि, मृदु और मीना चुपचाप देखते रहे. दे साइलेंटली वॉच्ड. साइलेंटली यानी चुपचाप, वॉच्ड देखते रहे लल्ली और म्यूजिक मास्टर को सर्च करते हुए एवरी कॉर्नर ऑफ द वेरेंडा, बरामदे का हर कोना खोजते हुए. ही स्करीड अराउंड. ही हियर हैज बीन यूज फॉर द म्यूजिक मास्टर. ही स्करीड अराउंड. स्करीड मीन्स रश्ड अराउंड. वो जल्दी से पूरे बरामदे में घूमते रहे, ढूंढते रहे. लुकिंग ओवर द रेलिंग. रेलिंग के दूसरी तरफ भी देखते रहे. एंड क्राउचिंग नियर द फ्लावर पॉट्स टू लुक बिटवीन देम. और फ्लावर पॉट्स यानी गमलों के पास भी झुकते हुए उनके बीच में भी उन्होंने चप्पलों को सर्च किया. ब्रैंड न्यू देवर. फिर उन्होंने कहा, म्यूजिक मास्टर ने कहा, ब्रैंड न्यू देवर. वो बिल्कुल नई थी, एकदम नई थी. देवर ब्रैंड न्यू. आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय देम. मैं बहुत दूर माउंट रोड तक गया था टू बाय देम, उन्हें खरीदने के लिए. ही वेंट ऑन सेइंग. उन्होंने कहना चालू रखा. दे कॉस्ट अ होल मंथ्स फीस. डू यू नो. क्या तुम्हें पता है कि एक महीने की पूरी फीस उन्हें खरीदने में लग गई थी, यानी उनकी कीमत एक महीने की पूरी फीस के बराबर थी. सून लल्ली वेंट इन टू टेल हर मदर. थोड़ी देर में लल्ली घर के अंदर गई ताकि वो अपनी माँ को इस बारे में बता सके. रुकुमनी अपीयर्ड लुकिंग हैरेस्ड विद पार्टी फॉलोइंग हर. रुकुमनी आई, अपीयर हुई, सामने आई, लुकिंग हैरेस्ड एंड शी वॉज लुकिंग एजिटेटेड. वो परेशान दिखाई दे रही थी. विद पार्टी फॉलोइंग हर, और उनके पीछे पार्टी थी. वेयर कुड दे बी. वो कहाँ हो सकती हैं. इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम. इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग. ये बात बहुत परेशान करने वाली है, अपसेट करने वाली है. टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम. ये बात, ये सोचना कि किसी ने उन्हें चुरा लिया होगा, बहुत परेशान करने वाली है. सो मैनी वेंडर्स कम टू द डोर. इतने वेंडर्स, इतने बेचने वाले दरवाजे पर आते हैं.
worried party. Party ne chinta se kaha. Rukmani caught sight of Ravi, Mridu and Meena sitting under the tree. Isi beech mein Rukmani ne Ravi, Mridu aur Meena ko ped ke niche baithe huye dekha. Caught sight of ka matlab hai, she saw. Usne unhe dekh liya, tino bachchon ko ped ke niche baithe huye. Have you children? She began, and then seeing they were curiously quiet, went on more slowly. Seen anyone lurking around the veranda? Have you children? She began. Unhone puchna shuru kiya, kya tum bachchon ne? And then, aur phir, seeing they were curiously quiet. Phir ye dekhte huye ki bachche pata nahi kyon chupchap baithe hain. Curiously means strangely. Ab bachche to chupchap baithte nahi hain. To unhe laga ki jarur koi baat hai. इसीलिए उन्होंने फिर धीरे धीरे बोलना शुरू किया. She went on more slowly. Seen anyone lurking around the veranda? क्या किसी को तुमने छुप करके इंतजार करते हुए देखा है बरामदे के पास? Lurking means waiting quietly without attracting attention. छिपे रह करके इंतजार करना या आसपास घूमते रहना. A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. उनके आईब्रोज के बीच में एक शार्प वी शेप की लाइन बन गई थी और वो इसलिए थी क्योंकि वो कहीं ना कहीं पर बहुत गुस्सा थी. उन्हें अंदाजा लग गया था कि चप्पल के गायब होने में बच्चों का ही हाथ है. अनदर स्ट्रेट टाइटर वन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट प्लेजेंट माउथ. एक ऐसी ही टाइट और स्ट्रेट लाइन उनके माउथ की जगह पर भी थी. हो सकता है उन्होंने अपने दोनों होठों को दबा लिया हो, शायद इस वजह से वहां पर होंठ के उनके मुंह के पास एक लाइन नजर आ रही थी. अनदर स्ट्रेट टाइटर लाइन हैड अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट प्लेजेंट माउथ. उनका जो माउथ हमेशा मुस्कुराता रहता था, प्लेजेंट दिखाई देता था और सॉफ्ट माउथ था, वहां पर इस समय एक स्ट्रेट टाइट लाइन दिखाई दे रही थी. रुकमणी वॉज एंग्री, थॉट मृदु विद अ शिवर. मृदु ने सिहरन के साथ, डर के साथ सोचा, जरूर रुकमणी गुस्सा है. She wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar with sores on his feet, she tried to tell herself. उसने अपने को ये बताने की कोशिश की, she tried to tell herself, कि she would not be so upset. She here is रुकमणी. रुकमणी इतना upset नहीं होंगी if she knew about the poor beggar with sores on his feet. अगर उनको उस बेचारे भिखारी के बारे में पता चलेगा जिसके फीट में सोर्स थे, यानी घाव थे, छाले पड़े हुए थे. अगर रुकमणी को उस भिखारी के बारे में पता चलेगा जिसके पैरों पर छाले थे और जिसको चप्पलें दे दी गईं, तो देन शी वुडंट बी सो अपसेट. तब वो इतना नाराज नहीं होंगी, तब वो इतना गुस्सा नहीं होंगी. टेकिंग अ डीप ब्रेथ शी क्राइड. एक गहरी सांस लेते हुए वो चिल्लाई या जोर से बोली, रुकमणी, देयर वॉज अ बेगर हियर. रुकमणी, यहाँ एक भिखारी आया था. पुअर थिंग, बेचारा. ही हैड सच बॉयल्स ऑन हिज फीट. उसके पैर पर इतने बड़े बड़े छाले थे. उसने सोचा कि अगर मेरी आंट को ये बात पता चलेगी कि हमने एक अच्छा काम किया है, तो शायद वो इतना गुस्सा नहीं होंगी. इसलिए उसने जोर से रुकमणी को ये बात बता दी. सो said Rukmani grimly, turning to Ravi. Rukmani ने grimly यानी कठोरता से रवि की तरफ घूमते हुए कहा, so यानी तो, you gave the music master's chappals to that old beggar who turns up here. तुमने music master की चप्पलें उस बूढ़े भिखारी को दे दी जो यहाँ आया करता है. you gave the music master's chappals, तुमने दे दी music master की चप्पलें to that old beggar, उस बूढ़े भिखारी को, वो टर्न्स अप हियर, जो यहाँ आता है. टर्न्स अप मीन्स वो कम्स हियर. चिल्ड्रन दीज डेज, ग्रोंड पार्टी. पार्टी ने कंप्लेन करते हुए शिकायत के स्वर में कहा, चिल्ड्रन दीज डेज, आजकल के बच्चे. अम्मा, डिडंट यू टेल मी अबाउट कर्ण हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, इवन हिज गोल्ड इयररिंग्स. ही वॉज सो काइंड एंड जेनरस. अम्मा, Didn't you tell me? क्या तुमने मुझे नहीं बताया था? About कर्ण, कर्ण के बारे में. Who gave away everything he had? जिसने दे दिया था सब कुछ जो उसके पास था. Everything he had का मतलब है जो कुछ भी उसके पास था. Even his gold earrings,
यहाँ तक कि अपने सोने के कुंडल भी। ही वॉज सो काइंड एंड जेनरस, वो इतना दयालु और करुणा वाले स्वभाव का था। सिली स्नैप्ड रुक्कुमनी, रुक्कुमनी ने डांटते हुए या चिल्लाते हुए कहा, मूर्खता की बात है ये। सिली यानी मूर्खतापूर्ण। कर्ण डिडंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग्स, कर्ण ने दूसरे लोगों की चीजें नहीं दी थी। ही ओनली गेव अवे हिज ओन, उसने सिर्फ वो चीजें दी थी जो उसकी खुद की थी। ही गेव अवे हिज ओन थिंग्स, कर्ण गेव अवे हिज ओन थिंग्स, कर्ण ने सिर्फ वही चीजें दान की थी जो उसकी खुद की थी। बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिटेड द बैगर्स फीट, रवि रश्ड ब्रैशली ऑन, रवि ने ढिटाई से बोलते हुए कहा, बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिटेड द बैगर्स फीट, लेकिन मेरी चप्पलें तो बैगर के फीट में फिट ही नहीं होती, यानी मेरी चप्पल तो छोटी छोटी हैं, बैगर के पैर बड़े बड़े हैं, मेरी चप्पल तो मैं उसे दे ही नहीं सकता था, बिकॉज दे वुडंट हैव फिटेड हिज फीट। एंड अम्मा इफ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, और माँ अगर मेरी चप्पल भिखारी को मान लो फिट हो जाती तो क्या तुम इस बात पर ऑब्जेक्ट नहीं करती? वुडंट यू हैव डिसएग्रीड, क्या तुम इस बात से नाराज नहीं होती कि मैंने अपनी चप्पलें भिखारी को दे दी? रवि सेड रुक्कुमनी वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट, रवि रुक्कुमनी ने बहुत गुस्सा होते हुए कहा, गो इनसाइड दिस मिनट, इसी समय घर के अंदर चले जाओ। उन्हें अच्छा नहीं लगा कि म्यूजिक मास्टर के सामने बच्चा आर्ग्यू कर रहा है। शी वॉज वेरी एंग्री, सो शी टोल्ड हिम टू गो इनसाइड द हाउस, उन्होंने उसे कहा कि तुम घर के अंदर जाओ। शी हरीड इनडोर्स एंड ब्रॉट आउट गोपू मामाज हार्डली वॉर्न न्यू चप्पल्स, वो खुद घर के अंदर गईं और गोपू मामा की हार्डली वॉर्न यानी कि बिल्कुल ही लगभग नहीं पहनी हुई नई चप्पल्स को लेकर के बाहर आईं। दिस शुड फिट यू सर, सर ये आपको फिट होनी चाहिए, प्लीज पुट दिस ऑन, कृपया इन्हें पहन लें, आई एम सो सॉरी, मुझे इस बात का बहुत खेद है, माय सन हैज बीन वेरी नॉटी, मेरे बच्चे ने बड़ा शैतानी वाला काम किया है, एंड सो आई एम वेरी सॉरी। द म्यूजिक मास्टर्स आईज लिट अप, म्यूजिक मास्टर की आंखें खुशी से चमक उठी। He became very happy because these were very new chappals, और उनकी खुद की चप्पलें तो बड़ी पुरानी हो चुकी थी, उनमें तो पैरों की उंगलियों के निशान भी बने हुए थे, क्योंकि वो इतनी पुरानी हो गई थी तो वो वहां से दबने की वजह से उन पर पैर की उंगलियों के निशान बने हुए थे। He put them on, उन्होंने वो नई चप्पलें पहन ली। And he was trying not to look too happy, और वो कोशिश कर रहे थे कि बहुत खुश ना दिखाई दें। Well, I suppose these will have to do. हाँ, मुझे लगता है इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। These days, children have no respect for elders. What to do? आजकल बच्चों के मन में बड़ों के लिए बिल्कुल रेस्पेक्ट ही नहीं है। What to do? क्या किया जाए? A हनुमान incarnate. ये तो साक्षात हनुमान ही हैं। Incarnate means in person. साक्षात हनुमान का ही अवतार है। Only Ram can save such a naughty fellow. ऐसे शैतान बच्चे को तो सिर्फ राम ही बचा सकते हैं। रुक्कुमणी's eyes flashed, रुक्कुमणी की आंखें चमकी। She didn't seem to like रवि being called a monkey, even a holy monkey. उनको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि रवि को बंदर कह के बुलाया जाए, भले ही वो होली मंकी ही क्यों ना हो, भले ही वो हनुमान जी ही क्यों ना हो। She stood stiff and straight by the front door. फ्रंट डोर के पास वो एकदम स्टिफ और स्ट्रेट खड़ी रही। स्टिफ का मतलब है फर्म, एकदम तन करके, और सीधा वो खड़ी हो गई दरवाजे के पास। इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली, ये साफ दिखाई पड़ रहा था कि वो चाहती थी कि म्यूजिक मास्टर तेजी से वहां से चले जाएं। वेन ही हैड क्लैटर्ड ऑफ इन हिज न्यू चप्पल्स, जब वो अपनी नई चप्पलों को पहन के आवाज करते हुए वहां से चले गए। Clattered off means walked away noisily. She said, उन्होंने कहा, मृदु come in and have some tiffin. मृदु आओ और कुछ टिफिन खाओ। टिफिन here means snacks. टिफिन का मतलब यहाँ पर है नाश्ते से। Honestly, how do your children think of such things? ईमानदारी से बताओ, तुम बच्चे इस तरह की चीजें सोच कैसे लेते हो? Thank God. Your Gopu Mama doesn't wear his chappals to work. ईश्वर का धन्यवाद है कि तुम्हारे गोपू मामा अपनी चप्पलें पहन करके काम पर नहीं जाते, वरना
वो कहती नहीं है, बट इट इज अंडरस्टूड कि उनका मतलब है कि अगर गोपू मामा चप्पल काम पर पहन के गए होते तब वो उस स्थिति में क्या करती, फिर म्यूजिक मास्टर को वो पहनने को क्या देती। एज शी वॉक्ड टूवर्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना शी सडनली बिगैन टू लाफ। एज शी वॉक्ड टूवर्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना, जब वो किचन की तरफ जा रही थी मृदु और मीना के साथ, शी सडनली बिगैन टू लाफ, वो अचानक हंसने लगी। सडनली का मतलब है अचानक, बिगैन टू लाफ, वो अचानक हंसने लगी। बट ही इज ऑलवेज इन सच अ हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज एंड सॉक्स एंड गेट इन टू हिज चप्पल्स एज सून एज ही कम्स होम। लेकिन हमेशा उन्हें घर आकर के अपने शूज और सॉक्स को उतारने और फिर चप्पल पहनने की बड़ी जल्दी रहती है। बट ही इज ऑलवेज इन सच ए हरी, पर वो हमेशा एक हरी में होते हैं, बहुत जल्दीबाजी रहती है उन्हें, टू थ्रो ऑफ हिज शूज एंड सॉक्स, अपने शूज को यानी जूतों को एंड सॉक्स और मोजों को उतार फेंकने की, एंड गेट इन टू हिज चप्पल्स, और चप्पलें पहनने की एज सून एज ही कम्स होम, जितनी ही जल्दी वो घर आते हैं उन्हें जल्दी रहती है कि वो अपने शूज और सॉक्स को उतार फेंकें और चप्पलें पहन लें। What's your mama going to say this evening when I tell him I gave his chappals to the music master? आज तुम्हारे मामा क्या कहेंगे जब आज शाम मैं उन्हें बताऊंगी कि मैंने उनकी चप्पलों को म्यूजिक मास्टर को दे दिया है। अब रुक्मणि को समझ में आ गया था कि उन्होंने भी वही गलती की थी जो रवि ने की थी, कि वो चीजें जो उनकी अपनी नहीं थी उन्होंने दूसरों को दे दी थी। जस्ट एज रवि हैड गिवन द स्लिपर्स विच बिलोंग्ड टू म्यूजिक मास्टर टू द बेगर, इन द सेम वे रुक्मणि हैज ऑल्सो गिवन गोपू मामाज चप्पल्स टू द म्यूजिक मास्टर। उन दोनों ने ही वो चीजें जो उनकी अपनी नहीं थी दूसरों को दे दी थी, और यही सोच के रुक्मणि हंसने लगी। डियर चिल्ड्रन, आई डू होप दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड दिस वीडियो हेल्प्ड यू इन अंडरस्टैंडिंग दिस चैप्टर। प्लीज डू प्रोवाइड योर वैल्यूएबल फीडबैक थ्रू द कमेंट्स सेक्शन। बच्चों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबाना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।